तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे और सब नो फैप का पालन कर रहे होंगे अच्छे से। कोई तोड़ेगा नहीं, जिन्होंने तोड़ लिया कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते रहो, हार मत मानना बस। तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो बंदा भी नो फैप कर रहा है ना, नो फैप के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको अपनी डाइट अच्छी और हेल्थी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप नो फैप कर रहे हो और दिमाग में बिठा रखे कि नो फैप कर रहा हूँ तो बस सब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मेरे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। नो फैप कर रहे हो अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। और डाइट अच्छी के साथ मतलब है मेरा कोई नशा मत करना, जैसे शराब वराब पीते हो ये सब मत पीना प्लीज़, सिगरेट भी मत पियो, कोई दिक्कत नहीं इनको ना पीने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है एक चीज़, जैसे हमें पॉर्न की अट्रैक्शन थी, हमने वो तोड़ दिया है, छोड़ दिया है, मास्टरबेशन का था उसको छोड़ रहे हैं, कितना मुश्किल है छोड़ना। सेम ये भी वही चीज़ है, ये सब सेकंड नंबर पे आते हैं। पहली है अट्रैक्शन होती है पॉर्न की, मास्टरबेशन की, सेकंड होती है सिगरेट अल्कोहल जो भी हम पीते हैं, थर्ड में आती है जो बाहर की चीज़ें होती है। बहुत लोगों को बाहर की चीज़ों का भी अट्रैक्शन होता है, जैसे छोले भटूरे हो गए, मोमोज हो गए, कुछ भी हो गए, बाहर के फास्ट फूड जो भी हो गए, उनकी भी अट्रैक्शन होती है बहुत लोगों को। और ये सब ज़्यादातर लड़कियों को होता है, लड़कों को कम होता है, होता है बट लड़कों को पर कम। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे मेन है आपकी डाइट। आपकी डाइट में ये तीन चीज़ें हटाओ पहले, दो चीज़ें। एक तो आपको नशा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो अल्कोहल हो या सिगरेट हो। दूसरा, आपको फास्ट फूड का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं खाना। अगर आप नहीं रह पाते वो खाते हो कोई दिक्कत है नहीं वैसे उसमें, बट ज़्यादा खाने से दिक्कत होती है उस चीज़ में, तो मेरे ख्याल से छोड़ ही दो। जब तक आप नोफैप कर रहे हो तब तक छोड़ दो, जब तक क्या नोफैप तो आपका चलता ही रहेगा, बट ये छोड़ दो बाहर का खाना, या फिर कम कर दो, एकदम ही कम, 2 महीने में 3 महीने में ऐसे खा रहे हो एक बार चलता है, कम कर दो। और ज़्यादातर हेल्थी फूड खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियाँ, जो भी नॉन वेज खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं खाओ, बट हेल्थी फूड खाए, घर का खाना खाए सिर्फ, और दबा के खाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खा रहे हो बस ख़त्म, एक दो रोटी खा ली बस ख़त्म, नहीं, रोटियां खा रहे हो कम से कम दबा के खाओ। जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है 20 साल से ऊपर, कम से कम वो 6-7 रोटी खाए अगर खा सकते हो तो। तो भाई यही कहना चाहूँगा कि नोफैप कर रहे हो अच्छी बात है, अपनी डाइट भी अच्छी रखना। कुछ लोग होते हैं कि भाई कहते हैं यार मैं नोफैप तो कर रहा हूँ बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही मेरे अंदर, तो कैसे दिखेगा भाई? अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है तो पहले अपनी डाइट अच्छी करो, फिर उसके बाद देखना क्या इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे कहते हैं ना, कुछ अगर करना चाहते हो तो पहले उसकी ट्रेनिंग लो, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो उस चीज़ की तब जाके तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी, तभी तो आप कुछ कर पाओगे, एक्सपीरियंस जब तक मिलेगा नहीं। तो वैसे ये भी है, अगर नोफैप कर रहे हो अच्छी बात है, उसके साथ आपको ये चीज़ भी अच्छी रखनी है, डाइट अपना सबसे मेन तो डाइट ही है। उसके बाद आती है डेली रूटीन, आप ठीक से सो रहे हो नहीं सो रहे हो, वो भी एक मेन मुद्दा है, अपनी नींद भी पूरी रखना। और सबसे मेन तो मैंने बता दिया आपको, डाइट अच्छी रखना, डाइट में कोई कमी मत रखना आप, ठीक है? माफ़ करना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा यार, अपना ध्यान रखना और खुश रहना सीखना, बस हर बार कहता हूँ आप लोगों को, हर बार हर वीडियो में कह चुका हूँ, खुश रहो, हर चीज़ मुमकिन होगी आपके लिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, और सब अच्छा होगा आपके साथ अगर आप खुश हैं तो। आपको देख के दूसरे भी खुश हो जाएंगे अगर आप खुश हैं तो प्लीज़ भाई, आज का टॉपिक तो यही था कि अपनी डाइट का ध्यान रखो, ऐसा वैसा चीज़ें मत खाओ, खुश रहो, नशा वशा छोड़ो, ये सब डुबा देती है इंसान को। अगर नशा करते हो तो छोड़ दो, इनको नहा करने से कुछ नहीं होगा बट करने से बहुत कुछ चले जाएगा आपका। नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, करोगे तो गलत है बहुत कुछ, पूरी लाइफ। तो बस समझो इस बात को यार, पता नहीं क्या आप सब नशा करते हैं तो हम भी करेंगे, मेरे दोस्त लोग तो करते हैं, वो लोग भी करते हैं, भेड़ बकरी वाली चाल चलोगे तुम भी। तो प्लीज़ समझो भाई, अपनी डाइट अच्छी रखिए और ये सब छोड़िए, अंडरस्टैंड बस। और नो फैप मत तोड़ना, नो फैप करते रहो, नो फैप का पालन जारी रखो, कोई भी नो फैप नहीं तोड़ेगा,
और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, कुछ भी गलत काम मत करना, कोई भी गलत कदम मत उठाना। आप सभी को बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपका भाई, कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा, गलत कदम कोई भी नहीं उठाएगा, किसी भी हालात हो, कैसी भी हालात हो, किसी भी हालात में, कैसी भी हालात में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। तो भाई बस जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, टेक केयर।